हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डीएफओ इंटरनेट में। आज है 20 नवंबर। आज की प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित विद्यार्थी जीवन की कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं। देखिए, यूपी टीटी और सीटी में फेल और जूनियर एडेड में किया टॉप, तो पीएनपी पे सवाल उठ रहे हैं। और 145 नंबर पाने वाले को परीक्षा नियामक प्राधिकारी से जांच की मांग की गई है कि आखिर ये कैसे गड़बड़ झाला हो रहा है, तो पीएनपी पे सवाल उठ रहे हैं। और कल आपने देखा कि यूपी टीटी के प्रवेश पत्र जारी किए गए, जो कि बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा डाउनलोड करने के लिए एडमिट कार्ड को। तो देखिए इसके बारे में कुछ। यूपी टीटी के प्रवेश पत्र जारी, 2 घंटे में 11,000 डाउनलोड किए गए। प्रयागराज से उत्तर प्रदेश पात्रता शिक्षा यूपी टेट के प्रवेश पत्र शुक्रवार को दोपहर वेबसाइट पर जारी किए गए 5:30 बजे के बाद 11,000 से अधिक। देखिए, अभी भी बहुत लोगों का डाउनलोड नहीं हुआ है, साइट प्रॉपर चल नहीं रही है। तो टोटल कितने, 12,91,628 लोग जो है प्राइमरी के लिए डाले हैं फॉर्म, और 8,73,553 लोग जो है जूनियर वाले के लिए डाले हैं फॉर्म। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका अभी डाउनलोड नहीं हुआ है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से ट्राई करते रहिए। कंटिन्यू ट्राई करेंगे तभी डाउनलोड होगा। एक बार दो बार प्रयास करने पर आप छोड़ दे रहे होंगे तो इसलिए डाउनलोड आपका नहीं हो पाएगा। आपको कंटिन्यू 10 से 15 बार ट्राई करते रहना है। वन टाइम पासवर्ड में आपका जो आप फॉर्म फिल किए थे वो पासवर्ड आपको डालना है। फॉर्म भरते समय आपकी ईमेल आईडी पे मैसेज आया होगा, जिन्होंने साइबर कैफे में फॉर्म अपना फिलअप कराया होगा तो उनका पासवर्ड अपने तरीके से नहीं होगा। जो लोग खुद से किए होंगे तो उनका पासवर्ड अपने तरीके से, वो अपने नाम में कुछ, अपने नाम से रिलेटेड कुछ भी बनाए लिए होंगे। तो आइए और न्यूज़ देखते हैं। अब 6 मंडलों की प्रधाना 4 भर्ती का रास्ता हुआ है साफ, और चयन बोर्ड ने निरस्त किया अपना आदेश, आएगा अंतिम परिणाम। जो एडेड माध्यमिक कॉलेजों में प्रधानाचार्य पद के लिए वर्ष 2011 में जो विज्ञापन निकला था, और 3 काले कानून कृषि के वापस होंगे। कल प्रधानमंत्री मोदी ने क्षमा मांगा है देश के किसानों से संबोधित करते हुए कार्तिक पूर्णिमा के दिन। देखिए, 24 जनवरी तक परीक्षा केंद्र निर्धारित होंगे। यूपी बोर्ड के सुविधाओं के आधार पर तय किए जाएंगे केंद्र जो है स्कूल जो है परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। सुविधा के अनुसार अंक समान होंगे। परीक्षार्थियों के अधिकतम 10 किलोमीटर के केंद्र निर्धारित किया जाएगा। 10 किलोमीटर के रेंज में ही जो है केंद्र बनाए जाएंगे परीक्षा केंद्र यूपी बोर्ड के लिए। अब पॉलिटेक्निक में काउंसलिंग जारी है, तो जिन छात्रों ने अभी काउंसलिंग नहीं कराया, 1 लाख से अधिक रिक्त सीटों को भरने के लिए जो है काउंसलिंग चक्र शुरू किया गया है। 25 साल बाद 632 रोडवेज संविदा कर्मियों की नियमित होंगे जो है, इनके लिए खुशखबरी है, इनको जो है नियमित कर दिया गया है। आधे से जो है ज़्यादा संविदा कर्मी जो है 50 साल की उम्र पार कर चुके हैं, तो इनको ज़्यादा लाभ हालांकि ना मिले अभी समय है लेकिन। और ये स्मार्टफोन और टैबलेट से संबंधित योजना है जो है, सभी कॉलेज जो है महाविद्यालय जो है यूनिवर्सिटी को अपना डेटा भेज रहे हैं जो कि स्मार्टफोन से संबंधित है। और यूपी पीएससी भर्ती 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है, और ये टेट वाला ही है। टोटल जो है 43,900 केंद्रों पर होगी यूपी टीटी की परीक्षा। 21,00,000 अभ्यर्थी हैं टोटल,
देंगे परीक्षा हर केंद्र पर होगी सकती। तो ज़्यादा अपडेट के लिए चैनल पे बने रहिए। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, डेली आपको ऐसे ही अथेंटिक न्यूज़ प्रोवाइड की जाती हैं। धन्यवाद।